हाई एवरी वन आई एम सॉ म्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स सो यूपीएससी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो हर टॉपर हो या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप अपनी सराउंडिंग में इन जनरल सुनते हो दैट इज टू रीड टू न्यूज पेपर्स डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस अपार्ट फ्रॉम मंथली मैगजीन बट सुनने में ये जितना सिंपल लग रहा है ये उतना ही हमें कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट लगने लगता है जब हम रियालिटी में इसे फॉलो करते हैं बिकॉज नंबर वन हमें न्यूज पेपर तो छोड़ो उसकी हेडलाइंस तक ग्लांस करने की हैबिट नहीं होती And इसी वजह से जब हम फुल ऑनेस्टी के साथ पेपर पढ़ने का ट्राई करते हैं तो हमें मिनिमम पांच से घंटे लग जाते हैं me, second, हमें यह भी बताया जाता है कि सिलेबस को साथ रखकर न्यूज पेपर पढ़ो हर एडिटोरियल या हर न्यूज को देखो किस कि सिलेबस की हेडिंग अंदर वो आता है विच इन इट से वेरी ट्रबलिंग टास्क टू डू सो ये दोनों प्रॉब्लम्स फेस करना बिल्कुल नेचुरल है एंड हेंस आपको न्यूजपेपर के रिगार्डिंग अपने आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड आई टोटली मीन इट व्हेन आई दिस सी ऑलवेज़ रिमेंबर टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू सेम थिंग्स डिफरेंटली सो so, आज मैं आपके साथ अपनी टेक्निक शेयर करूंगी जो मैंने मिस्टेक्स कर करके हिट एंड ट्राई अप्रोच फॉलो करते करते डेवलप की है एंड दैट इज हेल्प मी टू क्लियर प्री एंड मेंस थ्राइस व्हेन आई वॉज इनिशियली अ बिग जीरो इन करंट अफेयर्स प्रिपरेशन एंड ये टेक्निक इक्वली बेनिफिशियल है फॉर एवरी वन चाहे जिसने न्यूज़पेपर बिल्कुल टच भी ना किया हो या जो न्यूज़पेपर पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हो विथ दिस बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्या सिर्फ मंथली करेंट अफेयर मैगजीन से काम चलाया जा सकता है या हमें न्यूज पेपर पढ़ना जरूरी है क्या हम न्यूज पेपर स्किप कर सकते हैं तो आई आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल इन दीडियो टूडे एंड येस देर वर स्टिल मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन हाउ टू मैनेज प्री एंड मीन्स इन जनरल स्टडीज विद ऑप्शनल एंड अ प्रॉपर डेली शेड्यूल तो इसके लिए भी कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है इन दो वीडियोज में जहाँ आपको एक वीडियो में थ्री मंथस का प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा इफ यू आर अ बिगनर और इफ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ गैप इन यूर प्रिपरेशन की आप कैसे मैनेज कर सकते हो एंड क्या आपका रियलिस्टिक प्रैक्टिकल डेली शेड्यूल होना चाहिए तो अगर आप चाहो तो इन वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है आप उन्हें रेफर कर सकते हो सो ट्राइड एंड टेस्टेक टेक्निक में आपको सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ आपको और भी जो सोर्सेज हैं लाइक पी आई बी एंड अदर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स वहां पे भी अगर कुछ डेली बेसिस पे अपडेट होता है तो वो भी आपको जानना जरूरी है उसको भी मैंने इस चीज में इंक्लूड किया है एंड प्लस आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी मैंने इंक्लूड किया है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ ठीक है इसको मैंने थ्री फेजेस में डिवाइड किया हुआ है सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने न्यूज़पेपर कभी पढ़ा नहीं है आज से पहले या आप पढ़ रहे हो लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हो पांच पाँच पाँच छः छः घंटा लग रहा है तो भी आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है आप पढ़ते हो बोर हो जा रहे हो आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है सो दिस फेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका लगभग सेवन डेज के अराउंड का फेज होगा इट कैन डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जिसमें आपको सिर्फ डेली बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है एक से डेढ़ घंटा ही देना है ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अगनर और दैबिचुअल फेज क्योंकि इस फेज में हम एक हैबिट डालने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एकदम ध्यान से समझिएगा आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है कोई भी अपनी चॉइस का एंड देन उसमें भी आपको पर फ्रॉम यू नो पेज टू पेज या एज टू एज आपको जो सिर्फ हेडलाइंस है ना चाहे वो आपके सिलेबस के रेलेवेंट हो या ना हो यू हैव टू गो थ्रू द हेडलाइंस एंड इसके साथ अगर आपको हेडलाइन पढ़ते वक्त कोई भी अपनी इंटरेस्ट की न्यूज लगती है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है आपको लगता है कि इसे आपको पढ़ना चाहिए जेनुअनली आप सिर्फ वही न्यूज पढ़ो एंड दैट्स इट आपको सिर्फ इतना ही करना है बाकी जो आपका काम है बाकी जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप कैसे कर पाओगे ये आप अभी समझो ठीक जब आप ये वाला चीज कर लोगे कि आपने हेडलाइन सारी गो थ्रू कर ली तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि एक्चुअली डेली करंट में चल क्या रहा है नेशनली एंड इंटरनेशनली जिसका आइडिया आपको एक होना चाहिए एंड उसके बाद आपने इंटरेस्ट की न्यूज भी पढ़ ली नाउ वट यू हैव टू डू इज आफ्टर दैट आप इन साइट आई एस की वेबसाइट पे जाओगे वहां पर उनके जो फ्री रिसोर्सेज वाला सेक्शन है वहां पे आप डेली करंट अफेयर एंड पी आई बी वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेना इसमें आप देख सकते हो हर मंथ के डे वाइज ये करंट अफेयर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जांपल हम फोर्टीन अक्टूबर का उठा लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल ताकि आप समझ सको अब आप यहाँ पे देखो जो मैंने बोला ना कि आपको सिलेबस वगैरह कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ हेडलाइंस गो थ्रू करू वो मैंने क्यों बोली बात आप यहाँ देखो ये देखो सोर्स यहाँ दिया हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज कवर की गई थी रेयर डिजीजेस को लेकर के तो ये आपके कौन से पार्ट में चला गया सिलेबस के हेल्थ एंड डिजीजेस वाले सेक्शन में ये चला गया एंड यहाँ पे उस न्यूज को प्रॉपरली ब्रेक करके विद बैकग्राउंड हर चीज आपको यहाँ पे इजिली प्रोवाइड हो जाती है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखो दिया हुआ है सो दिस हेल्प्स यहाँ पे आपको वही सेम न्यूज को ब्रेक करके एक तरीके से सब कुछ दिया हुआ है जिससे आपको फायदा क्या होगा एक तो रिटेन करने में बहुत इजी होगा ये आपके सिर्फ प्री नहीं बल्कि मेंस पे भी हेल्प करेगा देन इसके बाद आप देखो तुरंत ही न्यूज खत्म होते ही अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय चांस जो टॉपिक पे आप न्यूज पढ़ रहे हो उस टॉपिक पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में चाहे प्री हो या मीन्स वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको काफी बेनिफिट होगा इस तरीके से आप अपना इन से कवर कर सकते हैं न्यूज एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है जैसे आपने पढ़ लिया आपने समझ लिया न्यूज वहां से अब आप आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स का क्विज एंड आरटीएम आर टी एम मीन्स रिविजन थ्रू एम सी क्यूज अब इसको कैसे करना है ये समझ लेते हैं इन साइट पर जब आप अगेन वापस जाएंगे तब आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में आपको ये क्विजेज वाला सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको फर्स्ट दिख रहा है करंट अफेयर क्विज एंड नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है करंट अफेयर्स आर टी एम तो आपको इन दोनों को प्रैक्टिस करना है। इन दोनों में आपको टेन टेन क्वेश्चन मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं मैंने करंट क्विज चूज किया है पूरा डे तो ये आपको स्कोर भी दिखाएगा कि आपने कैसा अटेम्प्ट किया है सो इन वे इससे फायदा क्या है ना कि आपको ये एक चेक दे रहा है ऑन द डेली बेसिस आपकी अकाउंटेबिलिटी बता रहे है कि आपने कितना परफॉर्म कर पाया है तुरंत पढ़ने के बाद ऑन डेली बेसिस ठीक ये आपको सेवन डेज तक करना है उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट विल बी योर रूटीन फेज और द कांस्टेंट फेज इस फेज को आपको मेंटेन करके चलना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यानी आपको दो घंटे से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स को नहीं देना है दो घंटे बिल्कुल सफिशियंट है और यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बिकॉज आई एम लिटरली टेलिंग यू आई वॉज अ बिग जीरो इन करंट अफेयर्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं तो करंट अफेयर्स टच भी करके नहीं गई थी एंड देन आई रियलाइज दैट वॉट ब्लैंडर आई मेड इन माई एग्जाम ठीक है तो सेकंड फेज जो आपको रूटीन या कांस्टेंट फेज है इसमें भी आपको सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर करना है अगेन आपको प्रोसेस दोहराना है यू हैव टू ग्लान्स थ्रू द हेडलाइंस एंड लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है एटलीस्ट फाइव इंपॉर्टेंट न्यूज आपको निकालनी है वाइल्ड ग्लानसिंग थ्रू द हेडलाइंस जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है जब आप क्योंकि ये सात दिन पहले पढ़ चुके होंगे ना जब आप वहाँ पे सिलेबस हेडिंग्स के नीचे इन साइट पर आप न्यूज कवर कर रहे होगे तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस का आपको आइडिया लगेगा एंड आपको अपने आप फील आएगा कि यार ये न्यूज इंपॉर्टेंट है तो आप उस न्यूज़ को पढ़िए एंड प्लस अगर आपके पास टाइम है तो प्लेसेस इन न्यूज हो गया या इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन के लिए एक फर्स्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल है वहां पर मैंटेज करके शो आता है उसमें आप वो शो डेली आता है लेकिन आई विल रिकमेंड कि उनका जो सैटरडे संडे वाला होता है वो एक तरीके से रिकैप वर्जन होता है तो पूरे हफ्ते का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा वो आप वहाँ से देख सकते हो देन यू हैव टू फॉलो द सेम शेड्यूल कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है इन साइड आईज के वेबसाइट से और वहीं इस पर आपको ट्वेंटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं नाउ जब आप इस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा तब आपको क्या करना है अगर आपको मन करता है कुछ लोग ऐसा है जो जल्दी कर पा रहे हैं उनको ये सेकंड फेज में ही एक या डेढ़ घंटा लग रहा है दे कैन डू इज दे कैन गो ऑन फॉर द कंस्ट्रक्टिव फेज इसमें आप क्या कर सकते हो सब कुछ सेम रहेगा लेकिन आप एक न्यूज की जगह पर दो न्यूज टारगेट कर सकते हो एंड आप दोनों ही न्यूज में फाइव फाइव न्यूज जो आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ सकते हो इंक्लूडिंग एडिटोरियल ठीक है तो देखो जो पर्पज जो है इस पूरी टेक्निक का वो ये है कि एक तो आपकी न्यूज रीडिंग पूरा आपके दिन का टाइम ले ले हो जाए दूसरा आप सिर्फ उसको पढ़ने के लिए ना पढ़ो बल्कि आप उसको समझते हुए पढ़ो ताकि वो आपको रिटेन रहे। आपको रहे सिर्फ में में ही हेल्प ना हो बल्कि आप मेंस के लिए आंसर में भी कर सको, को ठीक तीसरा जो पर्पज है that is कि इसमें हम न्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं एज पर अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यू विल नॉट जस्ट बी प्री बट मेन्स रेडी सो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू अर लॉट अगर आपको न्यूज़ पेपर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है जस्ट फॉलो दिस टेक्निक एंड यू विल योर सेल्फ सी कितना ज्यादा आप जो पहले यू नो अंडर कॉन्फिडेंट या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ करंट अफेयर की मैगजीन ही पढ़ ले आप बिल्कुल ये चीज़ दोबारा नहीं सोचोगे आपके लिए अपने आप सारी चीजें ईजी होती चली जाएंगी नाउ कमिंग टू द क्वेरी क्या हमें करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी चाहिए और न्यूज पेपर स्किप कर देना चाहिए तो देखो अगर आपने कभी भी न्यूज पेपर नहीं पढ़ा है लाइफ में और आप सीधे करंट अफेयर की मैगजीन पे जंप करते हो ना तो कई बार इतने हेवी टॉपिक्स आपको साइंस एंड एंड टेक इकोनॉमी में या इतने हेवी कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिनको एक बार में पढ़ करके समझना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा एंड प्लस देखो उसको आप रिटेन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे आपको उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको उसमें उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप न्यूज पेपर में दे रहे हो एंड एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में फायदा यह है कि चार पांच दिन वो न्यूज चलती रहती है एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी मैं कवर करूंगी कि कैसे पढ़ना है कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड इंक्वायरीज हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो